एक पापा की पड़ी है, उसने पोस्ट किया है, विज्ञान कहता है सोना नहीं जलता, रामायण कहता है सोने की लंका जर कर राख है कोई, सोने की लंका जर कर राख नहीं हो गई लिखा है, सोने की लंका धू धू कर जल गई ये लिखा है। तुमने तो ये भी सुना होगा, हमने भी ये भी सुना है, उस बिल्डिंग में आग लग गई, वो बिल्डिंग पूरा धू धू कर जल गया। कहीं ईंट पत्थरों से बना हुआ घर जल सकता है क्या? जिस तरह बिल्डिंग जलकर राख हो गई, उसी तरह वो सोने का लंका भी जलकर राख हो गया। समझ में आ गया? सोने की लंका में जो जलने वाले चीज थे वो जल गए, उसके धुंध से सोना काला पड़ गया। समझ में आया? विज्ञान कहता है। और रही बात तुम्हारी विज्ञान की, तो विज्ञान तो ये भी कहता है पत्थर पानी में नहीं तैर सकता, तो फिर राम सेतु का पत्थर कैसे तैर रहा है? विज्ञान के अनुसार हवा के दिशा में ही ध्वज लहरा सकते हैं, है ना? तो हवा के विपरीत दिशा में वो जगन्नाथपुरी का ध्वज कैसे लहरा रहा है? कहाँ गया तुम्हारा विज्ञान? विज्ञान ही कहता है, हम विज्ञान को ही मानेंगे। जाओ मनवा लो, जगन्नाथपुरी का जो ध्वज है वो हवा के विपरीत दिशा में ही क्यों लहराता है? और कैसे पता श्री कृष्ण का जन्म रात्रि के 12 बजे हुआ है? घड़ी का आविष्कार तो अब हुआ है। अरे घड़ी से पहले भी लोगों को समय का पता था, रात दिन सुबह शाम आठों पहर अपनी सूरज और परछाई देखकर समय ज्ञात कर लेते थे। समझ में आया?